नमस्कार दोस्तों, बबीता स्ट्रिप चैनल में आप सभी का स्वागत है। 14 सितंबर, 14 सितंबर का दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत खास है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा चुनने का निर्णय लिया था और इसी निर्णय को महत्व देने और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। परंतु वर्तमान स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि हिंदी दिवस एक त्यौहार मात्र ही रह गया है। लोग हिंदी पखवाड़ा तक ही हिंदी को महत्व देते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। आज मैं इस कविता के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस सच्चाई से सहमत होंगे। अगर आपको यह कविता पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह कविता है, इसका शीर्षक है हिंदी की दुर्दशा। ये कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों हिंदी का है रोना। अब हर सुबह सन उगता है और दोपहर को कहते सब नून। चंदा मामा तो कहीं खो गए, अब तो हर बच्चा बोले मून। ये कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों हिंदी का है रोना। माँ बोलती खा लो बेटा जल्दी से, माँ बोलती खा लो बेटा जल्दी से, नहीं तो डॉगी आ जाएगा। अब ऐसे में वो नन्हा बालक भला कुत्ते को कैसे जान पाएगा। बचपन से जो देखा हमने वही सीखते हैं हम जीवन में। जब विद्या लेने वो स्कूल है जाता तो विद्यालय कहाँ से जान पाएगा। ये कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों, ये क्यों हिंदी का है रोना। जनवरी फरवरी तो याद है सबको, पर हिंदी के महासिलेबस में नहीं। ABC तो सब है जानते, पर क ख ग ग से हैं अनजान कई। हिंद देश के वासी हैं हम, पर हिंदी से ना कोई नाता है। ये कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों हिंदी का है रोना। भाषा का विज्ञान समझ लो, क्योंकि अब इंजीनियरिंग का है स्कोप नहीं। हिंदी का ही ज्ञान तुम ले लो, क्योंकि विदेशों में है अब मांग बड़ी। चाहे दुनिया में जहां भी जाओ, हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। अगर पूछ ले कोई देश की भाषा तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। ये कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों हिंदी का है रोना। धन्यवाद दोस्तों।